गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो आप सब बच्चों को पता होगा कि अभी 25 जैन को सैटरडे, जो कमिंग सैटरडे 11 बजे सीएस फाउंडेशन का रिजल्ट आउट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पूरी टीम आईएलपी की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, और सारे बच्चे जो भी पास होंगे तो हम उनसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार आप सेक्टर 14 गुड़गांव के अंदर एक बार आप सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लास लेने आओ, आपको डिफरेंस पता लगेगा। क्योंकि आप लोग जब क्लास ज्वाइन करते हैं, सबसे ज्यादा जो लोकल इशू आता है सेक्टर 14 के अंदर गुड़गांव में, वो लोकल इशू ये आता है कि आप लॉ की क्लास ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको सीए वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीए के बच्चे क्लासेस ले रहे होते हैं, उनके साथ आपको मर्ज कर दिया जाता है, उनके साथ आपको बैठा दिया जाता है, जिससे कि एक कंपनी सेक्रेटरी के पास, जो एक कंपनी सेक्रेटरी आप कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पता है उसमें एक कॉर्पोरेट लॉ आपके ब्लड में होना चाहिए। तो वो किस तरीके से आपके ब्लड में जाएगा वो हम लोग आपको यहाँ पे बताएंगे किस तरीके से आपके वो ब्लड के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके लॉ के पेपर मैं लूंगा, और प्रैक्टिकल जो हमारे पेपर हैं ग्रुप टू के अंदर, दो प्रैक्टिकल पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, साथ में मैनेजमेंट भी है उसके अंदर, और एक एफएम का पेपर है, साथ में स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट भी है उसके अंदर। तो वो हमारे साहिल सर हैं, वो आपकी यहाँ पे क्लासेस लेंगे। जब आप यहाँ पे लॉ की क्लास लेने आएंगे तो हम यहाँ पे जो क्लासेस लेने वाले हैं वो हम 4 घंटे की आपकी क्लासेस लेंगे, अल्टरनेटिव डेज में आपकी ये क्लासेस चलेंगी। तो बस मैं रिजल्ट आने से पहले बस आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि एक बार आप 28 जनवरी, जो अभी आपका रिजल्ट आएगा 25th को, उसके बाद कमिंग ट्यूजडे को हमने 28 जनवरी को 11 बजे यहाँ पे क्लास रखी है, तो एक बार आप लॉ की क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस लेने आए, जिससे कि आपको एक डिफरेंस पता लगेगा। असली में होता क्या है, जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कभी भी आप कोई भी लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चाहे आप कंपनीज एक्ट पढ़ें, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ें, तो हर टीचर आपको बताता है कि बेटा इसके अंदर सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन के बाद आप सब सेक्शन पढ़ेंगे, देन आप क्लॉज पढ़ेंगे, उसके बाद आपको सब क्लॉज पढ़ना है। बट उसके आगे की कहानी कोई आपको नहीं बताता, तो यहाँ पे उसके आगे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके से आपको इनकम टैक्स में बता दिया जाता है कि इनकम टैक्स का बर्थ कहाँ पे हुआ, एंट्री नंबर 82 के अंदर इनकम टैक्स पैदा हुआ है, पर आपको कोई ये नहीं पढ़ाता कि कंपनी लॉ कहाँ पे पैदा हुआ है। अगर आप पूरा इंडिया भी सर्च मारेंगे तो आपको कोई नहीं बताएगा कि कंपनी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ पे पैदा हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चंस के अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो 28 जनवरी को जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद 11 बजे आप हमारे पास क्लासेस लेने के लिए आ सकते हैं। और हम आपको डेमो क्लासेस नहीं देंगे, हम आपको ट्रायल क्लासेस देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो दोनों फैकल्टी हैं, मैं और जो साहिल सर है, दोनों एक्सपीरियंस टीचर हैं। डेमो बेटा वो टीचर्स देते हैं जो पहली बार पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, हम दोनों को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, आप मान के चलो मोर देन 12 से 14 साल का एक्सपीरियंस है, और हमने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, दिल्ली में ही नहीं लक्ष्मीनगर के अंदर भी हमने बच्चों को पढ़ाया, और आपके गुड़गांव में भी मुझे 3-4 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए। तो कई लोगों के अंदर ये मिसकॉन्सेप्ट डला हुआ है कि यार सर इतने सारे पेपर कैसे पढ़ा पा रहे हैं, तो आपको पता है 14 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और जब आप आओगे तो आपको अपने आप ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वंस अगेन हमारी पूरी टीम की तरफ से, आईएलपी की टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।